ये जनाब अम्मी ने पकोड़ों को सामान कुछ बना के रखा हुआ था पहले से ही। दो प्याज डले हैं, कुछ धनिया डला है, कुटी हुई मिर्च भी है और दड़ा मिर्च भी। हाँ जी, ये फाइनल मिक्सिंग हो रही है। ये जनाब मिठू साहब बैठे हैं मेरे प्लेट पकड़ के, अम्मी की हेल्प कर रहे हैं साथ साथ। अरे फाइनली रेडी हो रहे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का और टाइम लगेगा। ये जनाब अम्मी ने पकोड़ों को सामान कुछ बना के रखा हुआ था पहले से ही, इसको अब अम्मी फाइनल रेडी करने लगी हैं। ये बेसन डाल रही हैं अम्मी इसमें। अम्मी ये तकरीबन आपने कितने आलू प्याज और बाकी चीजें डाली हैं? आधा किलो। अच्छा, आधा किलो हमने आलू डाले हैं जनाब इसमें, दो प्याज डले हैं, कुछ धनिया डाला है, अनारदाना डाला है, हाँ 2 कप मैदा है, ये लें जी। ये जनाब वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें ऐड करनी है। और ये जनाब मिठू साहब बैठे हैं मेरे प्लेट पकड़ के, अम्मी की हेल्प कर रहे हैं साथ साथ। अम्मी ये ज़रा थोड़ी सी बता दें कौन कौन सी चीज़ आप डाल रही हैं। मिर्चें, सौंफ, अजवाइन, नमक। ठीक हो गया। मिर्चें दादड़ भी है और दूसरी भी है, कुटी हुई मिर्च भी है और दड़ा मिर्च भी है। हाँ जी, ये फाइनल मिक्सिंग हो रही है। हाँ जी, ये अम्मी बता रही हैं कि मैं मीठा सोडा लाजमी 1 चुटकी डालती हूँ, इससे ना पकोड़े बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। ये जनाब ऑयल हमने रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। ये जनाब मिठू साहब पकोड़ों का इंतज़ार करते हुए। हाँ जी मिठू, बताओ वेट कर रहे हो पकोड़ों का, और कल से आए हो, क्या क्या किया ज़रा बताओ। हमने बिरयानी खाई है। अच्छा जी, और गए कहाँ कहाँ? गोट्स, बफलोज वगैरह देखी? हाँ, बफलोज थी, काउस थी, बहुत अच्छा। और आज हम ग्राउंड जाने। अच्छा, फिर आज क्या करोगे ग्राउंड में? क्रिकेट खेलोगे? मिठू तो बहुत एंजॉय कर रहा है गाँव में। ये लें जी। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, पकौड़े हमारे फाइनली रेडी हो रहे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का और टाइम लगेगा, फिर मिठू खाएगा। ये लें जी, फाइनली पकौड़ाज आर रेडी एंड मिठू इज़ रेडी टू ईट पकौड़ा। आप ये अब मानूर और मिठू टेस्ट कर रहे हैं और बताएंगे कि कैसा मजा है। हाँ जी मानूर, कैसे बने पकौड़े? मिठू आप भी करो, आप भी टेस्ट करके बताओ कैसे बने। वाह।